हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे काकी साहब वापस जोधपुर चले जाएंगे। फिर 4 तारीख इनकी ट्रेन है, तो ये वापस आएंगे 7-8 महीना से। तो आज इनसे खूब सारी मैं बातें करूंगी, खूब सारी मस्ती करूंगी, आप देख लेना। और ये अभी ये सब्जी बना रहे हैं काचरा की, सब्जी रोटी खाना खा के ये 11 बजे वापस चले जाएंगे जोधपुर। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप मैं इनको बोल रही हूँ कि यही रुक जाओ, 4 तारीख को आप शाम की ट्रेन है, तो आप सुबह चले जाना। लेकिन ये मान नहीं रहे, ये बोल रहे हमारे काम बहुत है वहाँ पे, तो जाना पड़ेगा। तो अभी मैं दूसरी वाले मकान में रही नहीं हूँ सही तरीके का कभी अभी अंकल नहीं। तो आज मैं इनके साथ जाऊँगी, 4 तारीख को मैं वापस आऊँगी। बाय भाई, आज हम चले जाएंगे कूर से आसाम के लिए, ठीक है अनिल जी, बाय। तो आज हम चले जाएंगे यहाँ से जोधपुर, फिर जोधपुर से हम लोग जाएंगे, एक दो काम है कुछ पहले वो करना है, और उसके बाद हम लोग जाएंगे आसाम के लिए। तो ठीक है, बाय बाय। आज ये वापस जा रहे हैं तो इसलिए उनको बहुत दुख हो रहा है, ये रो रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे काकी का है ना घी की बनिया भर के खाया है इन्होंने। घी भर लिया, इसमें भर लिया, इसमें भर लिया, इसमें भर लिया, और ये है ना शुद्ध पानी लेके जाएंगे भगवान के घर से, पालक पानी बोलते हैं, ये रोटी लेके जाएंगे। और ये अभी तो नहाए नहीं है, इनको मैं बोल रही हूँ आप नहा लो पर बोल रहे नहीं नहाना, मुझे पसंद नहीं है नहाना, मैं साल में एक बार ही नहाती हूँ। ओके बाय, गुड नाइट। ये है तमिला, इसमें चाच है, ये सारी पीली मेरी काकिस्तान है, ये देख सकते हैं उनको मैं मुक्का मारती हूँ। क्यों, ये मेरी काकिसा है, हर वीडियो में ये मेरी काकिसा है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परितानली व्लॉग्स। आज है हमारी कूर से रवानगी और 2 दिन बाद हमको जाना है आसाम वापस। तो यहाँ पर मैं घी पैक कर रही हूँ, और घी पैक करने के बाद नहा के रेडी होके हम लोग जाएंगे जोधपुर, और उसके बाद जोधपुर में कुछ एक दो काम पेंडिंग रह गए हैं वो काम निपटा लेंगे, उसके बाद हमारी है ट्रेन 2 दिन बाद, तो हम लोगों को जाना है आसाम। तो इसी व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं, तो आप व्लॉग को लास्ट तक देखिएगा और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अब जोधपुर में। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम जोधपुर, और यहां पर सिलाई मशीन खोल रहे हैं क्योंकि सिलाई मशीन हमको पैक करके ले जानी है आसाम। और उसी के साथ ही थोड़े टाइम बाद मैं पढ़ाने लग गई हूँ सीनू को, क्योंकि काफ़ी दिन से सीनू की पढ़ाई नहीं हुई है बिल्कुल भी। मैंने ये सोचा था कि छुट्टी जा रहे हैं तो वहाँ पे सीनू को अच्छे से पढ़ाऊँगी, लेकिन शादी में, दिवाली में सब कुछ काम इतना हो गया, भगा दौड़ी, इधर उधर आना जाना, उन्हीं सब में रह गए हम लोग, और बच्चों की पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर अभी मैं करवा रही हूँ सीनू का होमवर्क, क्योंकि उसका व्हाट्सअप ग्रुप पे मैसेज आ जाता है होमवर्क का, तो जो जो होमवर्क सीनू का है वो नोटबुक लेके आई हूँ, मैं करवा रही हूँ अभी सीनू को होमवर्क, और उसके बाद करते हैं थोड़ा बहुत कुछ घर का काम। तो यहाँ पे तांडी साहब बाहर गए थे तो बाहर से कुछ लेके आए हैं सामान, चलो देखते हैं क्या लेके आए हैं वो। तो यहाँ पर बनाना चिप्स, नमकीन, और उसी के साथ लेके आए हैं आई थिंक समोसा होगा, और घेवर बहुत पसंद है हम लोगों को तो घेवर लेके आए हैं फिर से। और ये 2 शर्ट जो इनके मामा की लड़की के शादी से पहले इन्होंने सिलने दिए थे वो अब रेडी हुए हैं, शादी बीत गई, हम लोग तो वापस ही जा रहे हैं, बट अब कपड़े मिले हैं, तो ये कुछ कपड़े लेके आए हैं अपने लिए। और इसमें ये 2 बेडशीट्स है जो, तो अभी ये मम्मा वो घेवर जो मैंने आपका डिब्बा दिखाया था ना, ये वो ही है घेवर, ये भी खुला है, देखो अंदर घेवर
इतना प्यारा दिखा। Amazing! देखो ये वही ग्यावर है। हाँ ये तो था। देखो उसके ऊपर फूल चिपके हुए हैं, कितने अच्छा दिख रहा है। देख कितनी अच्छी मिठाई। देख छुट्टी आते हैं तो यही प्रॉब्लम कि पैकिंग करना है, घर जाना है। अब वापस जा रहे हैं तो भी वही टेंशन, पैकिंग करना है, घर जाना है, इतना सारा सामान कैसे मैनेज होगा। देखते हैं, लग गई हूँ मैं मेरी पैकिंग करने में फटाफट से। सभी सुबह के 5 हो चुके शायद, और मम्मी इधर ही उन्हें उठ गया, फिर वो बाहर वापस सो रहे हैं। और बाहर बहुत ठंड है अभी, और अभी आज हम ट्रेन है और फ्रेंड्स, इसलिए अभी हम जा रहे छत धोने वापस लास्ट बार। ये देखिए, ये अभी लुक है हमारे राजस्थान का। तो यहाँ आगे मम्मा धो रही है छत, तो आप देख सकते हैं मम्मा आधी धो रही है। इधर वाइपर खींचेगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं बहुत निकला है क्या। हमने पटाखे फूटते तो काले काले हो गए अब छत थोड़ी। आप देख सकते हैं उस टाइम कितनी गंदी थी और अभी कितनी अच्छी हो गई। मैंने और मम्मा ने धोई है ये छत। आपको हम उस तरफ भी बता देते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू परी तांडली व्लॉग्स। आज है, क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मा मैं बता दूँ, आवाज आप इसका वॉल्यूम कम करो, मैं अब बता रही हूँ। ट्रेन जा रहे हैं। सो आज हम जा रहे हैं फाइनली जोधपुर से, जोधपुर को टाटा बाय बाय। और आज की लास्ट मॉर्निंग है हमारी यहाँ पे, शाम को हमारी ट्रेन है, तो हम लोग जा रहे हैं वापस आसाम। और काफ़ी काम थे जो हमारे पेंडिंग रह गए, काफ़ी कुछ काम करवाना था, कुछ काम रह गया है बाकी। छुट्टी इतने कम आए थे और इनके मामा के लड़के की शादी थी तो वो शादी में हमारे दिन चले गए, और बचे खुचे दिवाली में हो गए थे। और गांव जाना, ससुराल, मायका, सब इधर उधर घूमने में सब वो हो गया। सीनू थोड़ा सा वॉल्यूम कम करो बेटू। और हम वापस आएंगे 8-9 महीने बाद, जब बच्चों की जून में छुट्टियां होगी तब आएंगे। अभी चल रहा है नवंबर, 8 महीने तो मान के चलते हैं। उससे पहले अगर कुछ काम हो जाता है तो शायद हम आ जाए, अदरवाइज हम नहीं आने वाले 8-9 महीने से पहले। तो अब जोधपुर को टाटा बाय बाय। यहाँ के घेवर बहुत मिस करेंगे, यहाँ के समोसे मिर्ची बड़े ज़्यादा नहीं खा पाए इस बार। प्लान था कि इतना कुछ खाना है जाएंगे, तो बच्चों ने आते ही बोला डोमिनोज चलो, तो हमने बिल्कुल बोल दिया था बिल्कुल नहीं, वो डिब्रूगढ़ में भी है, हम वहाँ पे खा सकते हैं। यहाँ पे स्पेशल हम लोग चलेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद में हम गए थे, वहाँ का मैक्सिकन स्वीट चिली पटेटो बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो वो खाया था। और उसके बाद गए थे हम एयरफोर्स में, जो है एक अशोक वाटिका होटल, तो वहाँ गए थे हम, रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे हम खा के आए थे। और जिप्सी में हमें जाना था, एक जिप्सी है जहाँ की थाली मिलती है, बहुत ही टेस्टी खाना होता है आपके साथ, उसमें बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, 10 तरह की सब्जियाँ, रोटियाँ, पराठे, पूड़ी, जो अनलिमिटेड जितना खाना उतना खाओ। एक थाली 400 रुपये समथिंग है उसका, और जितना खाना उतना खाओ। तो वो हम नहीं जा पाए, हमारा इतना मन था कि हम जाएंगे, जा नहीं पाए। और मामा जी के घर जाना था, मेरे मामा जी है डॉक्टर नैनूराम जी, तो उनके घर जाना था हमें, उनके घर भी हम नहीं जा पाए। बहुत ही ज़्यादा मन था मामी सा के हाथ की खीर और करेले की सब्जी खाने का, लेकिन मामी सा सो सॉरी, इस बार टाइम नहीं मिला, अगली बार आऊँगी तो ज़रूर आऊँगी, और अगली बार बिना बताए ही आ जाऊँगी, क्योंकि मामी सा ने बोला था जब आओ तो एक दिन पहले बता देना, मैं खाना आपके लिए रेडी करके रखूँगी, तो अगली बार आऊँगी बिना बताए आ जाऊँगी, बोलूँगी मैं बैठी हूँ 2 दिन, आप बनाओ बस खाना, जो खिलाना है खिला दो। तो सॉरी मैं नहीं आ पाई, टाइम नहीं था मेरे पास। और मम्मी आ रहे हैं अभी, मम्मी भाई, भाई तो यहाँ पे नहीं है, बाड़मेर है अभी पोस्टेड, तो भाभी, भतीजा, मम्मी पापा सब लोग आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में, तो उन्हीं का वेट कर रही हूँ। पैकिंग थोड़ी बहुत की है, थोड़ी बहुत बाकी है, और मेन प्रॉब्लम है सिलाई मशीन की, सिलाई मशीन लेके जा रही हूँ।
क्योंकि आप लोगों के साथ मैं काफ़ी कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिलाई से स्टिचिंग से रिलेटेड, तो इसीलिए प्लस मेरे को वहाँ पे कपड़े सिलने की बहुत दिक्कत आती है, तो टेलर एक दो ही है, मुझे उनके पसंद नहीं आते कपड़े, तो मैं मेरे हाथ के ही सिले हुए पहनती हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सिलाई मशीन लेके जा रही हूँ साथ में, उसी की वजह से सारा कुछ सामान बिखरा पड़ा है क्योंकि वो आ नहीं रही है, फिट नहीं हो रही है, तो वो मम्मी आएगी अभी, मम्मी जैसे तैसे मैनेज करेगी, वो मशीन है मम्मी तो मम्मी खुद ही मशीन है कर देगी, उसको है पता नहीं कैसे करेगी वो, पर कर देगी वो सामान सारा सेट। तो तांडी साहब अभी ऊपर है कुछ काम करवा रहे हैं, और सुबह सुबह उठी 5 बजे और 6 बजे गई छत पे छत धोने के लिए, फिर नीचे से झाड़ू पोछा क्लीनिंग सब साफ सफाई किया है, और अब तो मम्मी आ जाएगी तो मम्मी कर लेगी, खाने का मुझे टेंशन नहीं है, मम्मी आएगी वो ही मेरे लिए ट्रेन में क्या खाना है क्या नहीं वो पैक करने वाली है। हालांकि यहाँ से दिल्ली तक नॉर्मल ट्रेन है, मंडोर में जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे हमारी राजधानी एक्सप्रेस है तो हमें खाना मिल जाएगा, बट फिर भी मम्मी कुछ तो पैक करेगी, मिर्ची विर्ची चटनी तो वो सब लेके जाने वाले हैं, और मम्मी जल्दी आ जाए तो शायद लापसी खा ले आज मम्मी के हाथ की एक और बार, फिर उसके बाद तो खुद ही बनानी है, मन भी नहीं करता बनाने का। बाकी छुट्टियां हो गई है हमारी ख़त्म, अब जा रहे हैं हम लोग, और काश 1 महीने की छुट्टी आते तो शायद थोड़ा सा एंजॉय कर पाते, बट नहीं हो पाया, हम लोग इतना भागा दौड़ी में ही रह गए थे कि बस कुछ हो ही नहीं पाया। और रजनी आई थी, घर से आई थी तो इतना परेशान थी, थोड़ा सा मन ऐसे हो रहा था क्योंकि वहाँ से आ गई थी और कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मैं बहुत थोड़ा वैसे थी और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, शादी में ज़्यादा डांस वांस कर लिया था और थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी, 5-5 बजे उठती थी और फिर उसके बाद दिन पूरा दिन सोने को नहीं मिलता था, नॉर्मली मैं दिन में सो जाती हूँ और रात को हमारे 1-2 बज जाते थे, तो थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी, लेकिन जब रजनी आई थी तो सब कुछ एकदम एनर्जेटिक हो गया, पूरा माहौल बहुत अच्छा लगा। और रजनी से भी काफ़ी टाइम बाद मिली हूँ, अब रजनी से मिलूंगी नोएडा में, रजनी के घर जाऊंगी मैं वहाँ पे, नोएडा अगली बार आऊंगी तो दिल्ली होते हुए आऊंगी, तो रजनी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम नोएडा में। और आप आए उस दिन बहुत अच्छा लगा, मीनू आप भरत भैया सब आए बहुत अच्छा लगा, सबके साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया, रील्स बनाई, और अब जाएंगे वापस शाम को। सिन्नू मेरा बेटू बैठा है इधर फोन चला रहा है, और वो फोन बिल्कुल उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो अपना फोन चला रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी इसको व्लॉग को करते हैं यही पे एंड, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, मम्मी आती है फिर मम्मी से मिलवाते हैं आपको। और मुझे इस घर में बहुत सारे वीडियोज रील्स बनानी थी बट मैं नहीं बना पाई, मैं आई मैं 2-2 दिन ऐसे ही बैठी रह जाती हूँ, फोन भी हाथ में नहीं लेती कि यार इतनी थकावट हो जाती है कि कुछ समझ में ही नहीं आता। और वहाँ आसाम में थी तो इतना सोचा था कि वहाँ जाऊँगी इतने सारी रील्स बनाऊँगी ये करना वो करना, बट कुछ हो ही नहीं पाता है। तो चलिए अभी ब्लॉग को करते हैं यही पे एंड, मिलते हैं मम्मी आने के बाद थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय। आ जाओ ओ पापा, अपन जा ले कितना किलोमीटर है तू? 21 जजी वालू 26 मिनट पहला फोन करियो अन के मैं जजी वाले को बोलू 26 मिनट लागे जजी वालू टाउन में 20 मिनट में है रहूं तू जा लियो। हां ले उ दोकाने हा करो आए नहीं आए क्या कर रहे हो बंदर? ओए बंदर हेलो, बच्चे मार चटनी बनाने भेजे हम थोड़ा मैं कुछ लेना था घर ही नहीं आया टाइम आते। जैकेट खोल लो, ओ जैकेट खोल लो थोड़ा, जैकेट खोलो बेटा। अरे चिकू जैकेट खोल ना, चिकू ए बेटू सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का व्लॉग, होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उसी के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और यहाँ पर हमारा खाना पैक हो रहा है, खाना बन भी रहा है, पास ही में मम्मी ने बनाई है लापसी और हम करते हैं अभी खाना एंजॉय, उसी के साथ ही करते हैं हम मम्मी और भाभी से थोड़ी देर बातें, और यहाँ पे हम कर रहे हैं तीनों मस्ती बातें। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, नए ब्लॉग में आपको हम दिखाएंगे कि हम जा रहे हैं यहाँ से जोधपुर से आसाम के लिए।
फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।